है अभी गे भी और हम हनुमान के लिए बाहर जाने की तैयारी है। टिकटें बुक हो चुकी हैं हमारी। मलेशिया 21 साल की लड़की 62 साल के लड़के से शादी कर रही है। तुम लोगों को लग रहा होगा गलत गोले में आ गए, नहीं रुको सही गोला है, बस वक्त बदल गया और आप जवान लड़के नहीं 62 साल के बुड्ढे शादी कर रहे। और भाई 62 साल के बुड्ढे को जवान लड़का नहीं बोलते, ये 62 साल को ऐसे बोल रहा है जैसे 26 हो। और देख रहे हो दद्दू का जोश, पता नहीं कौन से शिलाजीत का असर है। अरे दद्दू, शिलाजीत भी एक उम्र तक ये काम करता है जो अब नहीं करेगा। और हनीमून की तैयारी शुरू, वो भी मलेशिया। अरे दद्दू, जितना भी सांड का तेल लगा लो टूटा हुआ तीर निशाने पे नहीं लगता। और ये आजकल के लड़कियों को सपने कैसे आते हैं, जहाँ सपने में राजकुमार सिर्फ बुढ़ा होता है। अब किसी को भी हैंडसम रिच नहीं चाहिए, जमाना है सुगर डैडी का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में रिश्ता देखा था जो अब शादी में बदल गया है, तो आज हम उसी का दर्शन करने वाले हैं। चलो भाई, 21 साल की लड़की 62 साल के लड़के से शादी कर रही है, प्यार देखो कितना भरपूर है। तो इसमें गलत क्या है? अरे ना दीदी, कुछ गलत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, टूटा हुआ तीर निशाने में क्या ही लगेगा। शिकारी जो होता है भले ही तीर टूटा हो पर निशाना ताकना नहीं भूलता, पर अफसोस यहाँ खुद शिकारी शिकार बन गया। इनको कोई समझाओ कि सूखी हुई लाठी से खेला नहीं करते, टूटने में वक्त नहीं लगता। समझ रहे हो आप? तो एक बार गले मिल लो दोनों प्यार से और देखो कितने खुश। जितना ये दोनों खुश है मेरा पैदा होने पे, मेरे माँ बाप इतने खुश नहीं होंगे। अगर दद्दू को देख के 200 बुड्ढे और शादी करने लग जाए तो वृद्धाश्रम बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये तो पर वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा ही होता रहा तो अंबानी अब रिलायंस बंद करके शिलाजीत की कंपनी खोल देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। बात तो सही है। भाई बहन हो क्या, आपने शादी करी है? हम भाई बहन नहीं है, दुनिया की नजर में हम भाई बहन है। वैसे हम भाई बहन नहीं है, हम अपनी नजरों में भाई बहन नहीं है। 50 बार रिपीट करके देखा फिर जाके समझ में आया कि ये क्या बोल रही है। अगर सही वक्त पे दिमाग का विकास ना हो तो यही होता है, ज्यादा फेसबुक चलाने का असर। दुनिया के नजरों में भाई बहन है पर अपनी नजरों में नहीं। और देखो क्राइम पेट्रोल, संस्कार तो छोड़ो ये तो रिश्ता ही भूल गए, अब दुनिया की नजरों में ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर ये रिश्ता का नाम कुछ बन जाए तो मुझे डीएम कर देना, लिंक नीचे है। बता रही है यार, मत बताए न। दिल में नहीं, इसके गांड में भी छेद है। और ये जो ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, इसके पहले 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। जितना घटिया एक्टिंग कर रहा है ना, तुझे काम के आर के भी नहीं देगा। और तेरे नाम थिएटर से भले ही निकल गया पर इसके दिमाग से नहीं। और अगर इसके जैसे लौंडे अब बस में चढ़ जाए ना तो लोग पहले अपना पर्स छुपा लेते हैं। हमारे गांव में पिछले साल चप्पल चोर को पकड़ा था, बिल्कुल ऐसा ही लगता था। इसकी माँ का भोला चेहरा, मत बताए न। भाई के दिल में छेद है, तुम नहीं समझोगे भाई, हमारे ऊपर क्या बीत रही है हमें ही पता है। ऐसे वक्त पे मैं ही ना काम आती तो और कौन काम आता। नहीं सच बताना, तुम दोनों थोड़ा सा हार्पिक का नशा करते हो क्या? भोसड़ी के दिल में छेद है, डॉक्टर के पास जाओ ना, इसमें शादी करके दिल का छेद भर जाएगा क्या? गजब टूबी बाजा। जब हार्पिक और पेट्रोल को मिला के नशा करते हैं ना तो उसका असर कुछ ऐसा ही होता है। दिल में छेद है तो शादी कर ली, इनके हिसाब से बीमार का इलाज शादी होता है। अब हॉस्पिटल में जाके फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के शादी.com पे प्रोफाइल बनाओ, बीमार खुद ठीक हो जाएगी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी मम्मी के साथ एक रात सो सके। हाँ बिल्कुल सही बात कर रही है, ये एक रात इसके साथ रहे, एक रात मेरे साथ रहे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है और ना हमें उसको रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं मैं सही गोला में तो हूँ या फिर मुझे ये स्कीम के बारे में कोई खबर ही नहीं? सरकार का नया रूल है क्या? ये वीडियो दोस्तों को दिखाया था, भोसड़ी के वो ऐसे भाग गए जैसे दिवाली में ऑफर चल रहा हो कि उठा लो। अरे आंटी जी, जब अच्छा आम सामने हो ना तो सड़ा हुआ कोई नहीं लेता, चाहे फ्री में ही दे दो। तुम लोग ये वीडियो शेयर करके जॉनी को भेज दो, उसको किसी से दिक्कत नहीं है, वो सड़ा आम भी खा लेता है, पका हुआ आम भी खा लेता है। बस इतना ध्यान रखना कि उसको भेजने से पहले 2 व्हीलचेयर सेट करना, वो जो आम चूसता है गुटली भी नहीं छोड़ता, रखने को काम आएगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? शादी कर ली है, मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ है। कोई बात नहीं, और हम तो है ही चूतिए। फेसबुक मोनेटाइज क्या ही हो गया, अब गधे भी घोड़े के रस में दौड़ने लग गए। और यहाँ तो निशाना भी गलत है, अब 2 तीर आपस में टकराएगा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? अरे हमारी गर्लफ्रेंड को बताओ और मामला खराब हो जाएगा। नहीं भाई, मार्केट में कौन सा शिलाजीत मिल रहा है जो हर बुड्ढे को जवान कर रहा है? जी दद्दू, मामला खराब ही होगा, जिस पिचकारी के दम पे तुम बाहर निकली हो ना वो पिचकारी सालों पहले पिचक गया है। और इनको भी पिघली हुई मोमबत्ती से क्या ही आनंद आता है, पिघली हुई मोमबत्ती से जितना भी रोशनी करना चाहो बस अंधेरा ही दिखता है। कोई सेंस है इस बात की? कैसा लग रहा है शादी करके? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे जैसा इंसान चाहिए था मुझे वैसा मिल गया है। ये वही लड़कियाँ होती है जिसको अपने पापा जैसा पति चाहिए होता है, और देखो साला मिल भी गया, शुगर डैडी। ये भगवान क्या जुलुम है। नहीं, जब ये लड़कियाँ 21 साल की होती है तब क्या इनके दिमाग में ताला लग जाता है जिसका चाबी सिर्फ शुगर डैडी के पास होता है।
ये 54 साल के हैं, मैं 21 साल की हूँ। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे खुश रखे। ये कोई दूसरा खुशी है क्या जो सिर्फ बुड्ढे दे पा रहे? एक 50 साल का बुड्ढा जिंदगी में सब कुछ दे सकता है पर खुशी नहीं। जंग लगी चाकू से खेला जा रहा है, ऐसा ना हो जैसे काटना शुरू वही टूट जाए। जंग लगी चाकू से कट गया ना तो सेफ्टी होने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ जी श्वेता जी, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अकेले अकेले शादी कर ली, बताया भी नहीं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि शुगर डैडी का डिमांड कुछ ज्यादा ही है, कोई दूसरा ब्याह ले गया तो। चाहो तो तुम कर लो, क्या ही अकेले अकेले, वो शादी है थ्रीसम नहीं। इसने मुझे अपनाया, मैंने इसको भाभी देख मैं तुझे खुश रखूंगा। मैं तुझे यहाँ झुग्गी में नहीं रखूंगा, मेरा फ्लैट है, खेत में आता हूँ, यहाँ पति शादी करी हमने, ठीक है मैं कहूँगा खुश रखूंगा और इसको हर चीज दूंगा जो मेरे पास। अंकल जी आप चाह के बिना कुछ दे नहीं सकते, वो 21 साल की उसकी एक्सपेक्टेशंस बुलेट ट्रेन होती है साइकिल नहीं। मेरा मानो तो आप उसको घर पैसा गाड़ी दे दो, वो खुशी ढूंढ लेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और इंस्टा में जाके फॉलो करो, लिंक नीचे है। ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा और तुम्हें एंटरटेन करता रहूंगा, बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो और जो साथ में बेल आइकन आता है उसको इतनी जोर से दबाओ कि पूरा यूट्यूब को पता चले कि दब गया है।